फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफ ऑन फोर व्हील्स। तो लाइफ ऑन फोर व्हील्स के इस एपिसोड में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज शनिवार है, हमारा जो स्कूल था वो था मॉर्निंग का। तो अब हम जा रहे हैं हमारी उस तरफ की मंजिल पर। ये जो आपको नीचे रास्ता दिखाई दे रहा है वो जाता है हमारे स्कूल की तरफ। हम अभी वहाँ से आए हैं और आज हम एक नए प्लेस को डिस्कवर करने जा रहे हैं, एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और उस प्लेस की तरफ ये रास्ता जाता है। यहाँ आगे जो रास्ता है वो जाता है हमारे गांव की तरफ। हम अभी वहाँ नहीं जा रहे, अभी हम जा रहे हैं वो है ये रास्ता। और जा रहे हैं किसके साथ? ये हमारी राम प्यारी, उसके साथ। तो चलिए सफर को शुरू करते हैं अनसीन रोड आशीष। यहाँ पर माना जाता है कि वाल्मीकि ऋषि जी विश्राम करते थे, तभी से इस जगह का नाम वाल्मीकि ऐसा पड़ा है। और यहाँ जो नज़दीकी छोटा सा गांव है उस गांव का नाम है पानेरी। तो वाल्मीकि पानेरी ऐसा इस गांव का नाम रखा गया है। और आज हम यहाँ पर आपको इस मंदिर के बारे में बताने और साथ ही साथ ये जो जंगल है, इस जंगल की खूबियाँ दिखाने के लिए, सुंदरता दिखाने के लिए आपको यहाँ पर लाए हैं। तो चलिए पहले मंदिर के अंदर चलते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। और ये रही हमारी सफ़र की हम सफ़र राम प्यारी। देखते हैं आगे क्या है। मंदिर काफ़ी पुराना है, मैं भी आपके साथ पहले बार यहाँ आया हूँ। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये जो मंदिर है वो जैसे कि माना जाता है कि यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि जी विश्राम करते थे, तो इसी मंदिर का नाम वाल्मीकि ऐसा है। और मंदिर काफ़ी पुराना है, अभी अभी उसका नया जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा है। यहाँ हर साल
महाशिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा मेला लगा रहता है। उस मेले में लाखों भाविक श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, तो हम भी आज उनके दर्शन कर तृप्त हो गए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं मंदिर कैसा है। देखिए, आपको दिख सकता है कि मंदिर काफ़ी पुराना है और मंदिर के जो बुरुज है, खाम है, पिलर है, वो लकड़ी की है और उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से देखिए आप बारीक बारीक सा डिज़ाइन, नक्शी जिसको बोलते हैं हम, वो करवाई गई है। काफ़ी पुराना मंदिर देख सकते हैं आप, चारों तरफ लकड़ी और ऊपर जो है वो इस प्रकार का है। ये देखिए, ऐसा इसी पेड़ के नीचे यहाँ पर किसी ऋषि जी विश्राम के लिए, ध्यान के लिए बैठा करते थे। आप सोच सकते हैं कि जब वो दौर था तो उस वक्त यहाँ पर कितनी झाड़ियाँ होती होंगी। दो हजार साल पुराने अगर हम बात करें तो किस प्रकार रहता होगा वो यहाँ का मंजर। तो अभी यहाँ पर चलिए हम अब बाहर चलते हैं। बाहर का नज़ारा किस प्रकार है ये आपको दिखाता हूँ मैं। चारों तरफ हरियाली हरियाली है, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पर, अभी अभी रुकी है। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। ये जो जंगल है, इस जंगल को कहते हैं कि इसका नाम है अभी सह्याद्री टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि खास करके बाघों के लिए सुरक्षित रखा गया है। और यहाँ पिछले महीने एक दो तीन बाघों को देखा भी गया है। यहाँ के जो फॉरेस्ट के जो ऑफिसर है, उन्होंने जगह जगह पर जो सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं, उन कैमरास में रात के समय बाघ दिखाई दे गए हैं। तो आशा करेंगे कि आज हमें कोई बाघ ना दिखाई दे, नहीं तो ये वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगा। वाल्मीकि ऋषि जैसे हम निवेदन करेंगे कि आज हमें कोई बाघ ना दिखाई दे, अगर दिख भी गया तो वो बस काफ़ी दूर हो ताकि हम भाग सके वहाँ से। ये जो रास्ता है वो जाता है इस तरफ से जंगल को, यहाँ से आगे वो सह्याद्री फॉरेस्ट शुरू होता है, इसे आप जंगल की बाउंड्री भी कह सकते हैं। आगे एक बड़ा सा झरना है, तालाब लगता है शायद, और उसके आगे वो देख सकते हैं आप पुल है छोटा सा। रास्ता काफ़ी पथरीला है, रास्ता ही नहीं है यहाँ पर, बस पुल बांध के छोड़ दिया है और पैर जो है वो नीचे धस रहा है मिट्टी में। तो हम लोग आगे नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। अगर कोई जंगली प्राणी हमारे सामने आता है तो हम उसे कैसे भगाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे पास है। तो हम आगे नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये जंगल किस प्रकार गहरा है, आपको यहाँ से ही पता चलेगा। आप देख सकते हो बहुत ही घना जंगल है ये, और काफ़ी अच्छा टूरिंग प्लेस भी हो सकता था ये, लेकिन जब से यहाँ पर बफर जोन घोषित किया है, ये वर्ल्ड हेरिटेज में आता है, जिसे हम वेस्टर्न घाट कहते हैं, उसका ही एक भाग है। तो यहाँ तक टूरिस्ट लोगों के लिए ये बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ बाघों की सुरक्षा के लिए जो इंतज़ाम किए हैं उसमें कोई रुकावट ना हो।
तो जंगल में जाना मना है यहाँ पर, और जंगल के आगे पीछे यहाँ आग जलाना भी मना है। बहुत ही सख्त कानून है यहाँ के, और हर दिन 2-3 बार यहाँ पर फॉरेस्ट की जो गाड़ी है वो घूमती रहती है। तो इस प्रकार ये वाल्मीकि ऋषि जी का मंदिर आप देख सकते हैं, और उसके पीछे ये मनभावक दृश्य सह्याद्री पर्वत और उसकी सह्याद्री जंगल के आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये जंगल आपको निश्चित ही आपके मन को सुख शांति प्रदान करेगा, इस प्रकार की शांतता यहाँ पर है। दोस्तों अब हम वहाँ से निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ। आशा है कि आपको ये नया डेस्टिनेशन पसंद आया होगा। वाल्मीकि ऋषि जी का आशीर्वाद हमारे साथ आपके साथ सदा बना रहेगा, और इसी तरह हम नए नए डेस्टिनेशंस पर जाकर उन्हें एक्सप्लोर करेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब मिलते हैं हम अगले एपिसोड में अनसीन रोड्स विद आशीष में। अब मुझे दीजिए इजाज़त। स्टे कनेक्टेड, हमारे सभी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ, ताकि और हमें बढ़ावा मोटिवेशन मिलती रहे, प्रेरणा मिलती रहे, और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने लाए। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियोस में। स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।